लोग अक्सर मुझसे पूछते हैं कि आप मैजिशियन कैसे बने, और सच कहूँ तो इसका जवाब मेरे पास भी नहीं है, क्योंकि ये कोई करियर चॉइस नहीं थी, ये तो एक फर्स्ट लव की तरह है जो मुझे बचपन में ही हो गया था। और बचपन का प्यार समझने वाले बहुत कम लोग होते हैं, बट लकीली मेरे नाना जी थे जिन्होंने मुझे इंस्पायर किया और मोटिवेट किया, और वो हमेशा मुझे एक चीज़ कहते थे, जब मैं रात भर जग जग के मैजिक की प्रैक्टिस किया करता था और लगातार एक ही ट्रिक्स को 50 बार 1000 बार प्रैक्टिस किया करता था, तब वो मुझे एक ही चीज़ समझाते थे कि खाली पेट काम नहीं करना चाहिए। तो इसी नोट पे लेट्स स्टार्ट आवर फर्स्ट परफॉर्मेंस, खाली पेट नहीं रहना चाहिए। हाय गाइस, एक्चुअली हम लोग को शूट कर रहे थे, तो आपको कुछ मैजिक दिखा सकते हैं? हाँ, तो आप लोगों ने कुछ ऑर्डर किया था क्या? हाँ, क्या पिज्ज़ा? ओके, और कॉफ़ी पहले आ गई है? यू लाइक कॉफ़ी? ओके, हम लोग कॉफ़ी के साथ कुछ करें? मैं वापस कर दूंगा, ये ले लूँ? थोड़ा पास पास आ जाइए सभी लोग, कॉफ़ी पे ध्यान से देखिए। अच्छा, ये बहुत सारी चॉकलेट्स बन जाएंगी। आज जब बहुत से लोग मुझे जानने लगे हैं, तो कई लोग मुझे अपना दोस्त बताते हैं, बट एक समय ऐसा था जब मेरे ही दोस्त मुझसे दूर भागने लगे थे, और गलती उनकी भी नहीं है। मैजिक को परफॉर्म करने में और उसे क्रिएट करने में बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारा पैसा लगता है, और मैं कई हद तक है ना अपने दोस्तों पर डिपेंडेंट हो गया था, इसलिए वो मुझसे दूर जाने लगे थे। लेकिन उस कठिनाई का एक फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे पता चल गया कि कौन से दोस्त मेरे असली हैं और कौन सिर्फ नाम के ही दोस्त हैं। आप सभी लोग फ्रेंड्स हैं, राइट? है ना? ओके, और मेरे हिसाब से है ना, फ्रेंडशिप एकदम ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। जैसे इस फिश टैंक में वाटर है, आपको पानी दिख रहा है फिश टैंक में? देखो कितना ट्रांसपेरेंट है, नहीं दिख रहा है? फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ओके, यहाँ पे जिगरी वाले फ्रेंड्स कौन कौन है? अरे आ जाओ। फ्रेंडशिप कैसी होनी चाहिए? ट्रांसपेरेंट। ट्रांसपेरेंट ना, और अगर तुम दोनों की फ्रेंडशिप उतनी स्ट्रांग है, हाँ, तो आपको मैजिक दिखेगा। अगर फ्रेंडशिप भी उतनी ट्रांसपेरेंट हो गई जितना इस फिश पॉट का पानी है, तो लाइफ का मजा ही कुछ और है। आप लोगों को इसमें लाइफ दिख रही है, राइट? नहीं दिख रही है? तो मैं ये कह रहा था कि अगर फ्रेंडशिप ट्रांसपेरेंट रही तो ही आपको लाइफ में मजा आएगा। देखो लाइफ कितनी सुंदर है। मेरे नाना जी को गुजरे हुए 3 साल हो गए हैं, और मैं उन्हें मिस भी बहुत करता हूँ। एक पागलपन कह लो या बेवकूफ़ी कह लो, मुझे हमेशा लगता है कि वो आसपास ही कहीं हैं, और जैसे आप लोग मेरा मैजिक देख के खुश होते हो, तालियां बजाते हो, वैसे वो भी है ना, आप ही लोगों की तरह मेरे मैजिक को इंजॉय करते होंगे। और जब अपना कोई ऑडियंस में होता है ना, तो एक अलग ही एनर्जी होती है। और ऐसी ही एक एनर्जेटिक परफॉर्मेंस आप अभी देखने वाले। आज हम लोग सिस्टम एक्स आए हुए हैं, और हमारे अक्षय भैया, जिनकी वजह से हमको इतनी प्यारी प्यारी ऑडियंस मिली, और यहाँ पे सिरेमिक कोटिंग का काम बहुत अच्छा होता है, इवन मेरी बाइक का भी इन्होंने ही करके दिया है। तो कुछ मैजिक करें? यस।
सवाल था। हाँ सर, मैजिशियन बनने के लिए आपको इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? मेरे नाना जी ने मुझे इंस्पायर किया। नाना जी कहाँ हैं? यहीं गई हैं। यहीं?